हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है कि क्लॉक का सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज का आज हम लोग पांचवा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग रिंग यानी स्ट्रोक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग घड़ी देखे होंगे, जो हम लोग सुबह में अलार्म क्लॉक जो हम लोग लगाते हैं सुबह या शाम किसी भी समय जगने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप देखते होंगे क्या कि रिंग होता है। घड़ी क्या होती है? रिंग होती है। एक एग्जैक्ट टाइम में घड़ी क्या करती है? तो अपने में बजती है, खुद में बजती है। तो वही रिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक तरह से स्ट्रोक बोल सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम वाला क्लॉक भी आप देखे होंगे, उसमें भी रिंगिंग होता है, स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मारती है। तो उसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले इसका बेसिक थ्योरम, बेसिक फंडा को पहले समझ लिया, आखिर इसका फंडा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेरे पास घड़ी में इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि 12 डिजिट होता है, यानी 12 घंटा कंप्लीट करता है घड़ी। एक दिन में 12 घंटा दो बार कंप्लीट करता है, तभी तो 24 घंटा होता है। लेकिन हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं वो 12 घंटा वाला घड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी घड़ी का हम लोग एक दिन में दो बार यूज करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटा बनाते हैं, और 24 घंटा इज इक्वल टू वन डे, एक दिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि 12 बजता है, यानी एक भी बजेगा, दो भी बजेगा, तीन भी बजेगा, करते करते ये 12 बजे तक बजेगा। अगर एक बजेगा तो जो हम लोग फंडा पढ़ो, उस फंडा को समझिएगा, तो घड़ी रिंग करेगा वन टाइम, एक बार। दो बजेगा तो उस समय ऐसा नहीं सोचना है कि दो बार रिंग करेगा, एक ही बार रिंग करेगा, ठीक है। दो बजे भी एक बार रिंग करेगा, लेकिन टोटल रिंग अगर काउंट करेंगे हम तो टोटल रिंग कितना होगा? दो। टोटल रिंग होगा दो, लेकिन हर एक घंटा पे एक बार ही घड़ी रिंग करेगा। ये कॉन्सेप्ट तो समझिएगा इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। फिर 3 o'clock में भी एक बार, 4 o'clock में भी एक बार, इसी तरह करते करते 12 o'clock में भी क्या, एक बार। अगर हम टोटल इसको काउंट करें तो 1 से लेकर 12 o'clock तक टोटल 12 बार रिंग हो जाए, ठीक है, यानी घड़ी 12 बार बजेगी, क्योंकि हर एक घंटा में एक बार बज रही है, तो 12 घंटा में 12 बार बजे, ठीक है। अब देखिएगा इंटरवल, टाइम इंटरवल हमको समझना है, समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है कि दो घंटे के बीच का समय, ठीक है। मान लीजिए तो दो घंटा मतलब कौन सा दो घंटा, एकदम एग्जैक्ट दो घंटा नहीं बोल रहे, दो घंटा और दो घंटा में फर्क है, ठीक है। हम बोल रहे दो घंटा क्या, 1 o'clock और 2 o'clock, इसका मतलब इसको कभी नहीं समझिएगा एक घंटा हुआ या दो घंटा हुआ, ये दो घंटा नहीं हुआ, 1 o'clock से 2 o'clock जाना मतलब क्या हो गया, एक घंटा। और इसी को क्या बोलते हैं, वन टाइम इंटरवल, ठीक है। एक बजे से दो बजे के पास आप जाइएगा तो एक घंटा आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली बोल देता क्या कि एक बजा दो बजा दो घंटा हो गया, अरे दो घंटा कैसे हो गया, एक बजा था और एक बजे से दो बजा था, एक घंटा हुआ, ठीक है। यही चीज हमको ये समझाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा हर एक बात को जो बता रहा है। तो 1 o'clock से 2 o'clock वन इंटरवल, 2 o'clock से 3 o'clock ये भी अपना वन इंटरवल बनाएगा। और इस तरह इंटरवल अगर हम देखें तो टोटल कितना इंटरवल बनता है, 11 इंटरवल, ठीक है। तो एक बात एकदम साफ सुथरा है, क्या आपको पता चल गया होगा कि 12 बजे तक में टोटल 12 बार जो है कि आपका क्या होता है, रिंग। और वहीं 12 बजे तक में टोटल 11 बार आपका क्या होता है, टाइम इंटरवल, ठीक है। एक बात तो क्लियर है, ये दो बात आपको पता है। अगर ये दो बात पता है तो सिंपली समझिएगा थोड़ा मेरा बात को, थोड़ा मेरे बात को थोड़ा समझिएगा कि ये जो आपको टाइम जो दिख रहा है, वो क्लॉक करके जो आपको टाइम दिख रहा है, मतलब 12 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, तो जितना बजेगा उतना ही रिंग होता है। एक बात तो कंप्लीट है, जैसे देखिए 7 बजा, आप रिंग टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिंग है। एक 12 बजा, टोटल कितना रिंग है, 12 रिंग है। ये बात एकदम क्लियर हो गया हो कि जितना बजेगा उतना टोटल रिंग होगा, लेकिन इससे एक कम क्या होगा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमेशा रिंग से क्या होता है, एक कम। इसलिए हम आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है। एक बात याद रखना है कि टाइम यानी जितना बजेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिंग या स्ट्रोक, बजना वही रिंग, ठीक है। बजना, बजना जो होता है, रिंग जो होता है, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना बजेगा
उतना ही बजेगा, बजेगा मतलब रिंग बजेगा, ठीक है। और जितना टाइम इंटरवल अगर हमको निकालना है तो जितना बजेगा यानी जितना रिंग होगा उससे माइनस वन कर दीजिए, आपका टाइम इंटरवल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बोले 12 बार बजा तो टाइम इंटरवल क्या है, एक कम कर दिए तो 11 टाइम इंटरवल। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी टाइम इंटरवल और रिंग माइनस वन, ये पूरा फॉर्मूला जो है इसी पर हम लोग जो है कि क्वेश्चन बनाएंगे, रिंगिंग वाला क्वेश्चन, क्योंकि रिंगिंग वाला क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइम इंटरवल पर, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम बताता है टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं कि एक बजे से दो बजे तक दो घंटा, एक घंटा एकदम रियल टाइम, ठीक है, और उसी पर ये क्वेश्चन बनता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अ क्लॉक स्ट्राइक्स एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम्स एट ईच आवर, हाउ मेनी टाइम्स विल इट स्ट्राइक अ डे। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है क्या, थोड़ा बात को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक घड़ी एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम्स एट ईच आवर यानी प्रत्येक घंटा में अपने घंटे के अनुसार स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक मतलब क्या, बजती है, तो स्ट्रोक मारती है। तो पूछ रहा है क्या कि एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना बार जो है कि वो स्ट्राइक करेगी। अब इस बात को थोड़ा समझिए क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए क्या कि एक बजे एक बार जो है कि स्ट्राइक करती है, एक बजे एक बार। अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए वो अलग कॉन्सेप्ट था, वो हम बताए थे एक बजे एक बार, दो बजे भी एक बार, तीन बजे भी एक बार, चार बजे भी एक बार, लेकिन ये क्वेश्चन अलग मीनिंग दे रहा है। ये बोल रहा है एक बजे एक बार, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, और करते करते पूरा एक दिन में कितना बार टोटल काउंट करके बताइए। अच्छा तो हम एक बजे एक बार, दो बार, तीन बजे तीन बार, तो मेरा पास तो 12 घंटे का घड़ी है, ठीक है, तो 12 बजे इस तरह करते हुए 12 बजे 12 बार बजा होगा, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे 12 बार बजा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। हम करते क्या कि आप SN इसका यूज करके SN निकाल सकते हो। SN निकालने का तरीका क्या है, पढ़े हुए बचपन से N by 2 into first term plus last term, first term plus last term। SN कहने का मतलब क्या है कि जितना यह नंबर है सबको ऐड करना है, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सबको ऐड करके पहले हमको बताना है। लेकिन एक दिन में, अभी हम एक दिन में नहीं बता रहे, अभी तो मेरा ये आधा दिन का ही बात चल रहा है, क्योंकि एक घड़ी का हम दो बार यूज करते हैं, 12 घंटा वाला घड़ी का, अभी तो हम 12 घंटा में बात कर रहे हैं, 24 घंटा में बात किए नहीं है। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक से लेकर 12 यानी 12 और डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 12। कहने का मतलब क्या है कि 12 by 2 into 30, 2 से 6 बार में यानी कितना हो गया 78। एक बात तो क्लियर हो गया कि 78 टाइम्स यानी 78 बार बजेगी, कितना देर में, 12 घंटा, एक दिन में निकालना, एक दिन, वन डे, और वन डे बराबर क्या होता है 24 आवर्स। अब सिंपल सा बात है कि 12 घंटा में 78 टाइम्स बजेगी तो 24 घंटा में 78 × 2 यानी क्या हो जाएगा 156 टाइम बजेगी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल से बात, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इस पर डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा ऐसे निकालने के एक और तरीका आपको समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बात को समझिए। जब कभी भी आपको ऐसे निकालना हो तो आप देखिए क्या करें, ऐसे अगर आपको निकालना हो तो आप एक पीछे टर्म तक जाए, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, जैसे इधर आप डिफरेंस बढ़ा रहे हैं एक एक करके, तो डिफरेंस इधर एक क्या कीजिए पीछे कम, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं कि इधर एक ऐड करके जा रहे हैं, एक ऐड करके जा रहे हैं, दो ऐड करके जाते तो इधर दो कम करते, एक ऐड करके जा रहे हैं तो एक कम करें, एक कम करना मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया 0। आपको करना क्या है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म ये हो गया, ठीक है, अब फर्स्ट नहीं बोला तो पिछला बोलिए, लास्ट माइनस पिछला और डिवाइडेड बाई क्या 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटू, अब जो है कि आपका लास्ट एक्चुअल में जो है और फर्स्ट जो एक्चुअल में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए यानी 12 + 1 और डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना का तो एक केक का, तो जितना बात बोले उस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही ये ट्रिक हम पढ़ा चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में, उस पार्ट को पूरा सीरीज को देखिएगा,
ठीक है, ये सारा ट्रिक मैं बता चुका हूँ, तो पीछे का वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। आपको जो है कि आगे के क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि जितना ट्रिक है सबका यूज कर देते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है, और आप भी करेंगे तभी आप जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ हो गया 12/2 × 30, 6 बार में खत्म, 78 टाइम्स ही हो गया। हम बोल सकते हैं 12 घंटा में 78 टाइम्स, तो हमको निकालना है 24 घंटा में। अच्छा 12 से 24 बना कैसे, गुना दो करके, तो उसी तरह 78 में गुना दो करके क्या बनेगा, 156 टाइम्स देंगे आपसे। तो एकदम सिंपल सा बात है, दोनों टेक्निक आपको बता दिए हैं, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस लैंग्वेज से भी या ऐसे भी पूछ सकता है कि पहला घंटा एक बार, दूसरा घंटा दो बार, तीसरा घंटा तीन बार, करते करते पूरा एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना बार टोटल काउंट करके बताइए, घड़ी बजेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ क्लॉक टेक्स 40 सेकेंड्स टू रिंग 11 टाइम्स। बोल रहा है कि एक घड़ी 11 बार बजने में, रिंग करने में, देखिए 11 टाइम्स 11 बार रिंग करने के लिए इसको कितना समय लगता है, 40 सेकंड का समय लगता है। यानी 40 सेकंड जब वो कंप्लीट करती है तो वहां तक वो 11 बार टोटल बज जाती है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच सेकंड्स विल इट टेक्स टू रिंग 8 टाइम, तो पूछ दिया आपसे 8 बार बजने में उसको कितना सेकंड का समय लगेगा। हमको पता चले 40 सेकंड में 11 बार बजती है, 8 सेकंड में कितना बार। अब लड़का यहाँ पर गलती कर देगा क्या, डायरेक्ट जो है कि 11 बार बजती है 40 सेकंड में, तो 8 बार कितना सेकंड में, गलती हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं रिंग स्ट्रोक, स्ट्रोक डिपेंड करता है टाइम इंटरवल पर, रिंग पे नहीं। अभी हम आपको शुरुआत में बताएं कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो अब सिंपल सा बात है कि 11 बार रिंग करता है, आपके पास क्या है, रिंग है, रिंग कितना टाइम्स है, 11 दिया हुआ, तो आप इस रिंग को पकड़ के क्या कर लीजिए, आप इसका टाइम इंटरवल निकाल लीजिए, टाइम इंटरवल क्या होगा, तो क्या पढ़ाए थे अभी हम, रिंग माइनस वन यानी 11 माइनस वन यानी टाइम इंटरवल कितना हो गया, 10, ठीक है, क्योंकि 10 से ये बनेगा आप क्वेश्चन, टाइम इंटरवल से बनेगा। अब बोल सकते हैं क्या कि 10 टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्या है, 40 सेकेंड। मतलब क्या है कि 10 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में घड़ी को लगा 40 सेकेंड, तो हमको क्या करना है, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स मतलब क्या, जब 11 टाइम्स को हम 10 बोल रहे हैं तो 8 टाइम्स को हम क्या बोलेंगे, 8 टाइम्स का टाइम इंटरवल क्या होगा, 8 माइनस 1 होगा, यानी क्या होगा, 7 होगा। 11 रिंग 11 टाइम्स इज इक्वल टू 10 टाइम इंटरवल्स, तो 8 रिंग या 8 टाइम इक्वल टू 7 टाइम इंटरवल। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 10 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में 40 सेकेंड, तो 7 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में कितना सेकेंड, तो बोल सकते हैं 40/10 × 7 सेकेंड, खत्म यानी सच्चों के 28 सेकंड लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 सेकंड, ठीक है। तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जहां तक में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, 2 क्लॉक्स, दो घड़ी है, स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 10 o'clock, ये दोनों स्टार्ट करती है बजना कब, 10 बजे, ठीक है। द फर्स्ट क्लॉक रिंग्स फॉर 18 सेकेंड्स, पहला घड़ी जो 18 सेकेंड के लिए बजी, एंड द सेकेंड क्लॉक रिंग्स फॉर 27 सेकेंड्स, और दूसरा घड़ी 27 सेकेंड के लिए बजी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन 6th स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट क्लॉक, यानी कि पहला घड़ी जो 6th स्ट्रोक मारी है और 4th स्ट्रोक ऑफ द सेकेंड क्लॉक, दूसरा घड़ी जो 4th स्ट्रोक मारी है, पहला घड़ी का 6th स्ट्रोक, दूसरा घड़ी का 4th स्ट्रोक के बीच क्या समय का डिफरेंस बताना, देखिए समय का डिफरेंस बताना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी में आपको समझा दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का मीनिंग को थोड़ा समझिए, दोनों घड़ी स्टार्ट किया 10 बजे रिंग कर रहा, अच्छा 10 बजे जितना बजता है वही हमारा क्या होता है, रिंग होता है, अभी आपको हम समझाए थे, यानी रिंग मेरा पास कितना होगा, 10,
ठीक है, जितना बजता वही मेरा रिंग होता है। ठीक है, शुरुआत में यही कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अब मान लीजिए पहला घड़ी और दूसरा घड़ी, दो कॉन्सेप्ट हम बना दिए। ठीक है, पहला घड़ी में रिंग की बात करें तो 10 है, टाइम इंटरवल कितना होगा पहला घड़ी में 9, 10 माइनस में। दूसरा घड़ी में भी टाइम इंटरवल कितना होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ बजा है, यहाँ पर भी 9, 10 माइनस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9। अब बात उठता है क्या कि 9 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में पहला घड़ी को कितना सेकंड का समय लगा, 18 सेकंड, और दूसरा घड़ी को 27 सेकंड। यानी बोल सकते कि 9 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में पहला घड़ी को क्या लगा है, 18 सेकंड, और इसको भी 9 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, इसको लगा 27 सेकंड। ठीक है, ये 18 सेकंड ये 27 सेकंड में कंप्लीट किया 9 टाइम इंटरवल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला घड़ी जो है, पहला घड़ी इसको कराना 6 स्ट्रोक और दूसरा घड़ी जो है उसको कराना है 4 स्ट्रोक। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि पहला घड़ी अगर 6 स्ट्रोक मारेगा तो 6 स्ट्रोक मतलब क्या होता है, 6 रिंग, और 6 रिंग मतलब क्या, रिंग में से एक कम करेंगे तो कितना टाइम इंटरवल, 5 टाइम इंटरवल। पहला घड़ी 5 टाइम इंटरवल कंप्लीट कराना है और दूसरा घड़ी को 4 स्ट्रोक बोल रहा था, 4 स्ट्रोक मतलब क्या, 4 माइनस 1 यानी 3 टाइम इंटरवल, 3 टाइम इंटरवल। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइम इंटरवल से क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो 9 टाइम इंटरवल बराबर 18 सेकंड लगता है पहला घड़ी को, तो 5 टाइम इंटरवल बराबर कितना समय लगेगा, 5 टाइम इंटरवल बराबर कितना समय लगेगा, तो 18 बटा 9 गुना 5, 9 गुना 18 मतलब कितना सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि 9 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में 27 सेकंड, तो 3 टाइम इंटरवल कंप्लीट करने में कितना सेकंड, तो 27 बटा 9 गुना 3 सेकंड, काट दीजिए 3 बार में 3 9 सेकंड। यानी हम बोल सकते हैं कि पहला घड़ी 6 स्ट्रोक मार लिया, 6 स्ट्रोक मारना मतलब 5 इंटरवल, कितना देर में, 10 सेकंड में। दूसरा घड़ी 4 स्ट्रोक मार लिया, ठीक है, दूसरा घड़ी 4 स्ट्रोक मार लिया, 4 स्ट्रोक मतलब क्या, 3 टाइम इंटरवल, कितना देर में, 9 सेकंड में। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, टाइम का डिफरेंस निकालना, टाइम का डिफरेंस, तो टाइम तो दोनों निकल गया, 10 सेकंड 9 सेकंड दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 सेकंड आंसर। एकदम सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको केवल ध्यान से इस पूरा जो है कि क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इसको एक बार बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 क्लॉक्स स्टार्ट रिंगिंग टूगेदर एट 8 o'clock, यानी 2 घड़ियां और दोनों बजना एक साथ कब प्रारंभ करती है, 8 बजे। ठीक है, दोनों एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ। द फर्स्ट क्लॉक रिंग्स फॉर 14 सेकंड, पहला घड़ी 14 सेकंड के लिए बजती है, एंड सेकंड क्लॉक रिंग्स फॉर 21 सेकंड और दूसरी घड़ी 21 सेकंड के लिए बजती है। ठीक है, आगे बोल रहा, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड बोथ द क्लॉक विल रिंग टूगेदर एट द सेम टाइम। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, इस बार बोल रहा है क्या कि कितने सेकंड के बाद दोनों घड़ियां एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म का यूज कर दिया है। ठीक है, और एक साथ बजना मतलब क्या करना है, एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, यही ना हम बचपन से पढ़ रहे हैं, एलसीएम में चैप्टर में आप पढ़ते होंगे, 5 घड़ी दे दिया, 5 का समय दे दिया, बोलेगा क्या कि बताइए कि 5 का 5 अगला बार फिर से एक समय कब दिखाएंगे, एलसीएम निकाल देते हैं। वो काम यहाँ पे करेंगे, लेकिन लॉजिक पहले देखते हैं, इस क्वेश्चन का लॉजिक जो हम सीखे हुए पिछला क्वेश्चन का जैसा उसी ढंग से हम बनाएंगे। सिंपल सा बात है कि 8 o'clock दिया और दोनों घड़ी के लिए दिया, जिसका मतलब दोनों घड़ी के लिए रिंग कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया, और दोनों के लिए टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें टाइम इंटरवल का तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा दोनों के लिए, 7 हो गया। डायरेक्ट टाइम इंटरवल से हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल का मेन जो है कि हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिंगिंग वाले घड़ी के लिए पहला घड़ी दूसरा घड़ी, चलिए तो कॉलम बना दिए, तो बोल सकते हैं कि पहला घड़ी 7 इंटरवल कंप्लीट, टाइम इंटरवल वही इंटरवल
सात इंटरवल कंप्लीट करने में पहला घड़ी को कितना समय लगता है? 14 सेकंड, 14 सेकंड, ठीक है। और दूसरा घड़ी को 7 इंटरवल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 21 सेकंड, 21 सेकंड, ठीक है। अच्छा, 7 इंटरवल में 14 सेकंड, तो एक इंटरवल में कितना सेकंड? 14/7, यानी क्या हो जाएगा? 2 सेकंड, ठीक है। और उसी तरह 7 इंटरवल में 21 सेकंड, तो एक इंटरवल यानी 1 इंटरवल कंप्लीट करने में कितना सेकंड? तो 7 * 21 यानी 3 सेकंड, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो पहला घड़ी एक इंटरवल कंप्लीट करती है प्रत्येक, एक मतलब प्रत्येक प्रत्येक इंटरवल कंप्लीट करती है 2 सेकंड में, और दूसरा घड़ी प्रत्येक इंटरवल कंप्लीट करती है 3 सेकंड में। तो अगली बार कब जो है कि दोनों घड़ी एक साथ बजे? अगली बार मतलब क्या, 8 बजे के बाद वाला टाइम उनको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 2 सेकंड और 3 सेकंड दिया है, तो हम क्या कर लेंगे? 2 सेकंड और 3 सेकंड का हम लोग क्या निकाल देंगे? LCM, ठीक है। क्या निकाल देंगे? LCM। LCM अगर हम निकाल देंगे तो 3 * 2 = कितना आ जाएगा? 6 सेकंड। यानी बोल सकते हैं कि अगला बार ये दोनों घड़ी 6 सेकंड के बाद फिर से एक बार एक साथ रिंग करेंगी। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरह से जो है कि आपको ये रिंगिंग वाला क्वेश्चन आता है, और इस ढंग से जितना भी तरह का क्वेश्चन आता है आपको इसी पैटर्न पर बनाना। आपको टाइम भी देखिए इसमें मार नहीं खाता है, ठीक है, और बनाना भी आसान है। केवल आपको ध्यान में रखना है जितना बजेगा उसके बराबर हमारा रिंग होता है, जितना रिंग या जितना बजेगा उससे एक कम हमारा टाइम इंटरवल होता है, और टाइम इंटरवल को हम पकड़ के जो हमारे पास बजने वाला समय देगा यानी रिंगिंग वाला समय देगा उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इतना सा बात है। अगर इतना बात आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों तक शेयर करें, उनको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, आप खुद भी सब्सक्राइब कर लें। और केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि नीचे आपको सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मेरा सारा वीडियो जो है कि ट्रिकी और प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल ट्रिक रटवा देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित ट्रिक बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और ये ट्रिक कैसे बना है, ताकि कि आपको ट्रिक भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप जो है कि कॉन्सेप्चुअली पकड़ के उसको ट्रिक को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। सारे वीडियो देखें, आप पीछे के प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियोस में जाएं, RGR क्लासेस के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अभी तक बहुत सारे वीडियो, हमारा 34 वीडियो आ गया, 34 क्लास मैंने कंप्लीट किया है मैथ और रीजनिंग मिलाकर। सारे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।